गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। आत्माओं ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। एक भक्त कह रहा था और परमात्मा गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि सतगुरु शरण में आकर इस कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद धर्मराज डर कैसा, धर्मराज का भी भय खत्म कर देता ही है परमात्मा, और इन भूत बात पितर पिशाचों की तब बात छोड़ दो। इनका मतलब है कि निकटाने का, जैसे एक भक्त कह रहा था जी मैं वैसे तो बहुत से ऐसे प्रमाण हैं, मैं अपनी बहन के यहाँ चला गया, किसान है वो, और बहन के जमीन अच्छी थी और वर्षा होगी, मैं अपने भी बैल लेकर वहाँ चला गया उसकी मदद कराने के लिए, हल से उसकी जमीन में को जोतने के लिए। मेरी दूसरी खेत में, दूसरे खेत में ड्यूटी लग गई और जो बैल हुई था वो दूसरे खेत में अपने बैल लेकर चला गया, वो उधर बाहर आ था मैं उधर सवार रहा था। तो वहाँ एक खेतों में लेट होती है छोटी सी जोड़ी, तालाब जलाशय छोटा सा, पशुओं के पानी स्टोर कर लेते हैं, वर्षा से हो जाता है कुछ या नहरों से भर लिया करते हैं। वो कहने लगा वहाँ में थोड़ी सी दूरी पर वो जोड़ी थी उसमें चला गया वैसे घूमने फिरने, बैलों को बांध दिया वृक्ष के नीचे। वहाँ क्या देखा कि एक व्यक्ति आया, उसने एक बेली गुड़ की चढ़ा दी, यानी पहले बेली हुआ करती एक दड़ी का पूरा, जैसे अब तो छोटी छोटी गुड़ की पेड़ी आप देखते हो टिकिया सी, पहले कट्ठा होता था इतना, वो दर गया उड़े उसके जाते में उसने उठा लिया, ताज़ा ताज़ा था ना, कुत्ता ने छेड़ रखा था, मन कुछ तो आप खैर कुछ फोड़ फाड़ कर बैलों को खिला दिया। वहां एक मंडी सी बनी हुई थी उसके ऊपर चबूतरा सा छोटा है, वहां चढ़ा गया। तो मैं घर पे आ गया, श्याम न मैं सो रहा था तो एकदम सपने में एक तीन साढ़े तीन फुट का व्यक्ति होगा, दाढ़ी सी बड़ी हुई और सिर पर बाल से, वो कहने लगा कि आज तेरा तो कोई मेरे से तगड़े की शरण में है, नहीं तो तुझे मारता और तेरे बैलन मारूं वो, तू बच गया तो तगड़े की शरण में है, यानी समर्थ की शरण में है तू। और वो कह रहा था मैं डर रहा इतना कसूता, आंख खुली एकदम पसीना आ रहा मेरा। फिर मैं उठकर मैंने उस मेरा जो बहन हुई था वही बहन आ गई, उनसे जिक्र करा कि ऐसे ऐसे मैं वहाँ गुड़ चढ़ा रखा था किसी ने, एक मड्डी है अच्छा, वो गुड़ मन ने भी खा लिया और बैलों को खिला दिया, और आज सपने में एक ऐसा दिखा इतने कद का व्यक्ति, मुसलमान टाइप सा था वो, तो वो कहने लगा तू तो मेरे से तगड़े की शरण में था, नहीं तो तुझे मारता और तेरे बैलन मारूँ, मेरी बसाई नहीं था तो के जिंदा रह जाता। तो उसकी मेरी बहन का मुंह खुला खुला रह गया, रेड कम में इतने वो गुड़ खा लिया उसका, अखा गुड़ खा लिया तारे पीर का, वो तो पीर है और उसने तो गढ़े वैसे चटक कर रखे हैं, वहाँ तो कोई छूता भी नहीं उसके आसपास, तो कुछ भी होता रहे तू बचा क्यों करे। तो बोला बहन मुझे मालूम है मैं क्यों कर बचा, थारे समझ मावना मेरी बात मानो को नहीं तुम। तुम्हारे बुद्धि से बाहर की बात है ये जो मैं बताने जा रहा हूं, तुम सुनते भी कोई ना मेरी बात में जो कहना चाहता हूं। तो परमात्मा कहते हैं समर्थ सतगुरु शरण आके धर्मराज डर कैसा, इन 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 भूत प्रेतों की जब बातें छोड़ दो। एक भगत कह रहा था जी मैं रात ने सो रहा था,
और सत्संग में आपके सत्संग सुने रखे थे कि भाई धर्मराज यम के दूत नहीं आ सकते लेने के लिए कबीर भगवान के इस दास के द्वारा प्राप्त भक्ति वाले को, यम के दूत लेने भी नहीं आ सकते आपको, ये सत्कर मान लेना, आपको तो भगवान ना होगा लेने के लिए। और जो परमात्मा की वचनों पर विश्वास करते हैं उन्हीं की सुनवाई होती है। वो कह रहा था जी मैं रात में सो रहा था, डेली सोते ही रात्रि में, तो एक दो जने आए भयंकर सी आकृति उनकी, और वो कहने लगे खड़ा हो तुम, मेरे को शरीर से बाहर निकाल लिया, मैंने अपना शरीर भी पड़ा दिखे और मैं बाहर जाता दिखूं, अब चल तुझे धर्मराज ने बुलाया है, अब चल तुझे बुलाया है, मैं उनके साथ साथ हो लिया। मैंने रास्ते में जाकर पूछा कि भाई कहाँ किसने बुलाया है मेरे को, कि धर्मराज ने बुलाया तेरे को। वो कह रहा था जी फिर मेरे नो ध्यान में आई ये तो यम के दूत दिखे हैं मेरे को। मैंने उनसे पूछा भाई तुम कौन हो, कि हम भाई दूत हैं धर्मराज के और तुझे बुलाने आए हैं, तेरा ऊपर हिसाब किताब होगा। तो मेरे फिर वह बात याद आ गई कि यम के दूत और हमें कैसे ले जा सकते हैं। वो कह रहा था थोड़ी दूर रह रहा था उनका, बोल गेट पे पहुंच लिए थे लगभग हम, फिर मैं उनसे छुटवा छुटू के उन गल गुट्टम गुट्टा, भाई तुम हमें नहीं ले जा सकते, मैं कबीर साहब का बच्चा हूँ, कबीर साहब का शिष्य हूँ, उनका नाम ले रखा मैंने। दोनों गेल वो जपटम लपटा मारी खूब, तो उनमें से एक बोला भाई तू पता कर कहा, मैं इतने इसने मैं हूँ शिष्य खेता तानी मैं करूँगा, तू पता करके आ, यू न्यूर न्यू कह है ऐसे ऐसे कह रहा है कि तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, कैसे ले आए तुम, तुम्हारी साथ बोल दे रही है क्या। तो अंदर गया वो धर्मराज के पास, वो कह रहा था मैंने अंदर बात होती सुने उनकी, धर्मराज से कहा जी ऐसे ऐसे एक व्यक्ति को आपने बुलाने के लिए भेजा था, वो कह रहा है कि तुम मुझे ला नहीं सकते, मैं तो कबीर साहब का भगत हूँ। वो धर्मराज ने वो देखा अकाउंट न बजा रहा है, किसने पकड़ लिया तो मरवाओगे मुझे भी, छोड़ो इसको जल्दी पटक दो ठा गया। तो कह रहा था जी मैं वो वहीं से पटक दिया मेरे को ऊपर, तो मैं नू आऊं जैसे ऊंचे स्थान से छलाग लगाते हैं जब कलेजे में गुदगुदी सी होती है, नो गुदगुदी सी होती है मेरे एकदम, और आते ही मैं शरीर का मां पड़ गया फंस गया नू, और फिर एकदम पसीना रहा आ मेरे हाथ पैर काम नहीं करें कति, अलाऊ टहलाऊ 5 मिनट तब मेरे हाथ पैर भी नहीं हले। फिर मैं उठा, फिर याद आई रत रहा सच मुचो जब ये या सती थी मेरे शरीर की ना पावो हो तो मैं इसने सपना ही मान लेता, पर जब समझ में आई मेरी तो टिकट कट गई थी, नहीं तो परमात्मा कबीर जी ने एक्सटेंशन दे रखी है। तो पुण्यात्माओं सतगुर शरणा आ के धर्मराज डर कैसा, धर्मराज के कहते हैं चित्रगुप्त के कागज की रू मेटू सकल बखेड़ा, इस चित्रगुप्त यानी इस धर्मराज के कागज पाट दूं, सतगुर जो चावे सो कर ही, कबीर साहब के विषय में गरीबदास जी कह रहे हैं सतगुर जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े आपके कर्म के लेख कबीर साहब मिटा सकता है। जम जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के मालिक एक। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।